तेलवे पर हूती के ड्रोन अटैक के बाद इसराइल ने यमन के हूती के सैन्य अड्डे पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया। इजरायली सेना ने यमन के होदेदा प्रांत में हूती के एक तेल डिपो पर एयर स्ट्राइक करके उसे अभी तक का सबसे बड़ा झटका दिया है, जिससे हूती तमतमाया हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के इस हमले में 6 लोग मारे गए हैं, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इस हमले से पहले हूती ने तेल अविव में एक ड्रोन हमला किया था, जिसमें एक इजरायली की मौत हो गई थी, लेकिन इजरायल के पलटवार के बाद हूती और इजरायल के बीच एक नया फ्रंट खुल चुका है। लेकिन इस सब के बीच हूती ने एक बार फिर से कह दिया है कि इजरायल के हमले उसे कमजोर नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो अब इजरायल पर और भी ज्यादा हमले करेगा। इसको लेकर हूती के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने अपने एक संबोधन में बड़ा बयान दिया है। अल हूती ने कहा कि यमन की जनता इजरायली दुश्मन से सीधे भिड़ने के लिए तैयार है और वो दृढ़ और बहादुर लोग हैं। अल हूती ने अपने बयान में आगे कहा कि इस हमले से इजरायल को कोई फायदा नहीं होगा और ना ही ये हूती द्वारा किए जाने वाले हमलों को रोक पाएगा। لن يفيده شيئا لن يوفر له الردع ولن يمنع العمليات التي ينفذها الجيش اليمني إسنادا للشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء ولن يمنعنا من الاستمرار في المرحلة الخامسة من التصعيد ضد العدو الإسرائيلي والإسناد للشعب الفلسطيني العدو الإسرائيلي سيخسر ويفشل ويجر على نفسه المزيد من المخاطر وعلى الإسرائيليين المغتصبين لفلسطين أن يقلقوا أكثر من أي وقت مضى وأن يخافوا أكثر من أي وقت مضى وأن يدركوا أن قادتهم الحمقى والعدوانيين المجرمين يجرون عليهم المخاطر اكثر واكثر। आपको बता दें कि इसराइल के होदेदा पोर्ट पर हमले के बाद हूती ने इसराइल के इलत बंदरगाह की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जिसे इसराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया था। आईडीएफ का कहना है कि यह मिसाइल इसराइल की सीमा रेखा पार नहीं कर पाई थी। आईडीएफ के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से हूती अभी तक इलत की तरफ 220 से ज्यादा हमले कर चुका है और इन हमलों की वजह से ये ईलत बंदरगाह सुनसान हो गया है। यहां से होने वाला समुद्री कारोबार भी ठप हो चुका है। और इसकी वजह से यहां पर ऑपरेट कर रही शिपिंग कंपनियों ने अपने 50% स्टाफ की छटनी कर दी है और अब इस बंदरगाह पर सिर्फ 120 लोग ही काम कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हूती के इन हमलों से ईलत को काफी नुकसान हुआ है। इजरायली मीडिया हाउस यजेट एरोनॉट का कहना है कि ईलत को करीब 1,40,00,000 का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि हूती के हमलों की वजह से जो जहाज स्वेज नहर होते हुए सीधे ईलत जाते थे, अब उनकी आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है और अब ये जहाज दक्षिणी इसराइल पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बेहद ही लंबे रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि 20 जुलाई 2024 को इसराइल ने हूती पर जो हमला किया था, उसमें 5 क्रेनें तबाह हो गई थी, जबकि होदेदा प्रांत की तेल भंडारण की क्षमता 1,50,000 टन से घटकर मात्र 50,000 टन रह गई है। और इसराइल का यह भी कहना है कि हूती के तेल डिपो पर हमला उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है और यहां पर तैनात क्रेनें समुद्र के जरिए ईरानी हथियारों की सप्लाई का एक प्रमुख साधन थी, जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। और तेल डिपो पर इसराइल का यह हमला बेहद ही भयानक था, जिसकी आग अभी बुझी नहीं है।